लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राम से ये मुझे जान से मारना चाहता था तुम्हारे कहने पे। शिवा, ओम ने पुलिस स्टेशन में अपनी जुबान बंद रखी थी मेरी वजह से, मेरे भाई को बचाने के लिए। तुमने उस पर हमला कर दिया, उसकी जान लेने की कोशिश की। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ओम तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन। ये तुमने क्या किया? बोल जाओ, अब तो कोई गलतफहमी नहीं। आओ ड्रिंक्स लेते हैं। शिवा को मैंने ही भेजा था तुम्हें मारने के लिए। शायद तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारा जुड़वा भाई भी हरि। ये राज शिवा और मुझे मालूम था, आप सिर्फ मुझे। तुम्हारा भाई हरि फांसी चढ़ने वाला है। तुम दोनों का जन्म तो एक साथ हुआ था, मौत भी एक साथ होगी। मैं तुम्हें फांसी चढ़ाऊंगा और हरि को कानून। अरे अरे कोई तो मेरी बात सुनो। अरे कोई है कि नहीं? अरे कमाल है, कोई सुनता ही नहीं है। ओ जिला साहब, ओ जिला। अरे जिला साहब, न्याय क्या इस संसार से उठ गया है क्या? हमने कितनी बार कहा कि हम ओम नहीं, हमारी हैं, तो हमें उसकी जगह पर क्यों लटकाया जा रहा है? अगर आपको यकीन आए तो मौलाना आजाद गली में जाकर हमारी मां से पूछे कि हम उसके बेटे हैं कि नहीं। देखिए, हमारी मां का इस दुनिया में हमारे सिवा कोई भी नहीं, वो तो हमारे बगैर मर जाएगी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहब। देखिए, अरे साहब इतने निर्दयी मत बनिए, हमारी बात तो सुनिए। अरे ऐसा मत करो साहब। अरे हमारी मां की हाय लगेगी, हाय। अरे हमारी हाय लगेगी। अरे जी, क्या दुर्गा देवी यही रहती है? हाँ मैं ही हूं। वो सामने। हरी, माँ, हरी बेटा, तू यहाँ कहाँ? मैं क्या बताऊँ माँ, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। जज साहब ने कह दिया कि मैं ओंकार हूँ। मैंने उन्हें लाख समझाया कि मैं ओंकार नहीं हूँ, मेरा नाम हरी प्रसाद है, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे मुझे फांसी की सजा दे दी।
उस दिन देवी को बचाने के लिए मैंने जो नाटक किया था, वही नाटक फांसी का फंदा बनकर मेरे गले में फंस गया। मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ इन्हें? फंसा दिया गया है, पर दूसरा तो आपके साथ था। मेरे साथ? मुझे तो पिछले 20 साल का कोई हादसा याद नहीं। तुम्हारे बिछड़ने के बाद मैं अपनी याददाश्त खो चुका था, मुझे कुछ याद नहीं। उसका नाम ओम है, मेरी को मालूम है। माजी, ओम कहाँ है? कहाँ है? मैंने उसे बंबई में देखा है। लगता है हरी को ओम समझकर जेल में बंद कर दिया गया है। ये हरी की मंगेतर है बेटी, उसे कहीं से भी लेकर आ। 20 बरस हो गए मैंने उसे देखा नहीं है। मैं ओम को लेकर आऊंगी माजी, मुझे उसका घर मालूम है। ओम की मौत उस दिन होगी जिस दिन उसका भाई हरी उसके लिए कुर्बानी का बकरा बनेगा। वो दिन कब आएगा भैया? पता नहीं गवर्नमेंट फांसी के मामले में इतनी सुस्त क्यों है। क्योंकि गवर्नमेंट को तुम्हारी और रीटा की प्रेम कहानी मालूम नहीं, इसलिए मैं नासिक जा रहा हूं और फांसी की तारीख मालूम करके आता हूं। तुम ओम पे नजर रखना, रीटा पे नहीं। क्यों नहीं? ओम मेरे किस काम का? रीटा पे नहीं, रीटा, मेरी रीटा। हेलो। जी साहब। रीटा को उठा लाओ। साहब बाहर बहुत बारिश है। छाता लेकर जाओ। Thank you.
थैंक यू, पर एक बात पूछूं? नहीं, पूछे बिना बता देती हूँ। उस दिन मुझे लगा कि तुमने मेरे हरि को लपक लिया, और आज बस ऐसे ही। अब मुझे पता चला कि तेरे वाला ओम है। शादी के बाद निशान लगाना पड़ेगा, वरना गड़बड़ भी हो सकती है। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन हरि ओम की जगह जेल में है, तो फिर ओम कहाँ है? अपने डैडी से मिलने नासिक गया हुआ है, पर वो वहाँ एक दिन से ज्यादा नहीं दिखता। लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं? बोल, ओम कहाँ है? रामसी के पास। रामसी? नमस्ते। नमस्ते। क्या आप ही ओम और हरि के माता पिता हैं? जी हाँ। मैं हरि का वकील हूँ। कोर्ट में गवाही के लिए मुझे आपकी सख्त जरूरत है। आपको मेरे साथ बंबई चलना होगा। जी हाँ, चलिए। जोड़ो जोड़ो, हाथ जोड़ो। अभी हाथ जोड़ रहे हो, बाद में और कुछ जोड़ोगे? चाहता बनू प्यार की राहों का देवता, लेकिन तुमने बना दिया है मुझे गुनाहों का देवता। बको, क्या काम है? हमें ओम चाहिए। क्यों? मेरा हरि बेगुनाह है, उसे फांसी लगने वाली है। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि हरि और ओम जुड़वा भाई हैं, और कानून हरि को ओम समझकर फांसी की सजा दे रहा है। यानी कि ओम तो मारा गया ना ऑफिशियली, और एक आदमी दो बार तो नहीं मर सकता। इसलिए अगर मैं ओम को जान से मार दूं तो कानून मुझे नहीं पकड़ सकता, और ओम को मारना मेरे लिए बहुत जरूरी है। रीटा, तुमने हमेशा मेरे प्यार को ठुकराया, मुझे बेवकूफ बनाया, गधा बनाया। जैसे तुम्हारे उस दिन तेवर बदल गए थे ना, आज इस साले के तेवर भी बदल गए हैं। तुम ठहरो इधर, मैं ओम को लेकर आता हूं। जिंदा नहीं, मुर्दा। संभालो इनको। इंस्पेक्टर यादव का खून तूने किया था, चल। रुक जाओ, कहीं नहीं जाएगा। मेरा बेटा। मां, तुमने मेरे प्यारे भाई पर हाथ उठाकर अपने पूरे खानदान की मौत को बुलाया है। ये तुम्हारी मां है। माँ, 20 बरस से तुमने इसे नहीं देखा, इसने भी तुम्हें नहीं देखा। जाओ मिलो अपनी माँ से, मिलो। जल्दी ही वो मेरी गोली की शिकार होने वाली है। चलो चलो। हाँ।
है। भैया टॉम, एक मिनट। इस आदमी ने इंस्पेक्टर यादव का खून किया, जिसके जुर्म में आपने मुझे गिरफ्तार किया, और उसकी सजा मेरे जुड़वा भाई हरि प्रसाद को मिली है। इस आदमी ने मुझे फंसाने के लिए एक चाल चली, और उसका शिकार आज खुद बन गया। इसने मेरे हाथों से मेरे भाई को मरवाने की कोशिश की, और आज इसी के भाई ने इसका कत्ल कर दिया। चलो भैया। मां, सब हालात को मद्देनजर रखते हुए हरि प्रसाद को बाइज्जत रिहा किया जाता है।